हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज को, ये पार्ट फोर। मुझे उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन वीडियो में जो एग्जाम में आने के पूरे चांस है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, और नाभिकीय संलयन से ऊर्जा की एनर्जी उत्पन्न की जाती है। मतलब जो एनर्जी क्रिएट होती है सन में, वो होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त प्रथम, जो गुप्त शासक के थे, और गुप्त शासक प्रथम शासक मतलब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त वंश के संस्थापक। और गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड पूछ लेते हैं एग्जाम में कि गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड था उसको स्वर्ण युग कहते हैं, स्वर्ण युग गोल्डन एज कह सकते हो आप। कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसकी डेमोग्राफी, जो जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता की अनुवांशिकी की इकाई बहुत मूल और भौतिक और कार्यात्मक इकाई जीन इसकी इकाई होती है, और इसमें होता है डीएनए। मतलब डीएनए जो होता है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है इसकी फुल फॉर्म, जो कि, और ये मतलब कि डीएनए कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए जो हमारे सेल, जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, यानी कोशिका, और कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। तो अगर कोशिका ना दे रखा हो एग्जाम में ऑप्शन में, तो उसकी जगह दे रखा हो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया भी ना दे रखा हो तो उसकी जगह हो क्लोरोफिल। इनमें से एक जरूर दे रखा हो, वही आंसर होगा। और एक होता है आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि आरएनए प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए काफ़ी, मतलब कि प्रोटीन की फैक्ट्री भी कही जाती है, उसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए दोनों एक ही हैं। और इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दालों में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और हमारी बॉडी के लिए सब चीज़ जरूरी होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वो बसा, तीनों चीज़ जरूरी होती है। जो प्रोटीन होता है हमारे प्रोटीन, जैसे कि ये पूछता है एग्जाम में, जो प्रोटीन का पाचन होके क्या बनता है? प्रोटीन का पाचन होके बनता है अमीनो एसिड, जो टोटल 20 होते हैं। इसी तरह होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होके बनता है ग्लूकोज, और मतलब ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है जो लीवर में, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन हुआ, पहले था ग्लूकोज डाइजेशन होने के बाद, फिर ग्लूकोज सब ने डाइजेस्ट, ग्लूकोज के बाद बना ग्लाइकोजन जो कि लीवर में स्टोर रहता है। और एक इसी तरह होता है बसा, जिसको फैट कहते हैं, और फैट का डाइजेशन होकर बनता है फैटी एसिड, यानी बसीय अम्ल। और कभी एग्जाम में भी पूछते हैं कि इन तीनों की हम मतलब कि प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है हमें। तो जो प्रोटीन होता है 0.8 ग्राम की जरूरत होती है, जो एडल्ट होता है, एडल्ट की जो बॉडी होती है 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है एक दिन में। और एक होता है कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसकी पूरे दिन में ज़्यादा जरूरत होगी, तो 300 ग्राम पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, और एक दिन में इनकी। और एक होता है बसा 80 ग्राम जरूरत होती है, जो फैट जो होता है 80 ग्राम जरूरत होती है पूरी बॉडी के लिए, एडल्ट के लिए, लेकिन जो बताया रहे सो ये एडल्ट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी में कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस निकलती है। एग्जाम में कोई एक दे रखा हो तो वो आपको टिक करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का आविष्कार किया। यदि एग्जाम में दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछे कि पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाला एक, मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन। और अब ये भी क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। और महाभारत का पुराना नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता पुराना नाम था महाभारत का, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और कभी ये भी पूछते हैं एग्जाम में, जो गोत्र व्यवस्था शुरू हुई, मतलब जो जैसे कोई जब मैरिज होती है तो गोत्र पूछते हैं, तो जो गोत्र व्यवस्था शुरू हुई तो वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की उड़ान किस सिद्धांत पर काम करती है? तो रॉकेट की उड़ान न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करती है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम ये बताता है एक्शन रिएक्शन, मतलब रॉकेट की उड़ान उड़ेगी तो ये तीसरे नियम पर आधारित है, और न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया न्यूटन की पुस्तक है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम कोरोमंडल तट, पूर्वी तटीय मैदान का नाम
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे अधिक आबादी आबादी वाली जनजाति गोंड, मतलब ये जनजाति है जो कि सबसे पुरानी भी और सबसे अधिक भी है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? जो पदार्थ होते हैं उनकी चौथी अवस्था कौन सी है? इसकी प्लाज्मा चौथी अवस्था है। और पदार्थ की चार अवस्थाएं, मतलब अब पांचवी भी है, पांचवी पढ़ेंगे हम। तो पहली है ठोस मानी सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस और चौथी प्लाज्मा। और पांचवी पढ़ लेते हैं, तो पांचवी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, मतलब पांचवी अवस्था जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट पांचवी अवस्था है। अब प्लाज्मा ये कैसे बनती है? देखो, एक सॉलिड होता है, सॉलिड सपोज करो आइस, आइस को जब मेल्ट करोगे मतलब आइस को जब गर्म करोगे तो इसका बनेगा लिक्विड। अब लिक्विड को भी गर्म करोगे तो इसका बनेगा गैस। तो जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है वो होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है। अब ब्लड को कनेक्ट करेंगे तो मतलब देखो, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, प्लाज्मा दो तरीके से, मतलब ब्लड में एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट होता है जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानिन क्या है? मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी पिगमेंट है जो स्किन का कलर प्रोवाइड करता है। जो हमारी स्किन का जो कलर है ना वो मेलानिन की वजह से है। और ये भी एग्जाम पूछता है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो उसका आंसर होगा स्किन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ये मेघालय में, तीनों जनजाति मेघालय में। और अंडमान निकोबार की जनजातियाँ ये पूछ लेते हैं, इसमें पाई जाती है ओंग, शेंग, शोम्पेन या जारवा, जनजाति अंडमान निकोबार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले सिविल सेवक कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, आईएएस अफसर बनने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईएएस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम, प्राचीन समय में असम को प्राग्ज्योतिष यानी कि पूर्वी ज्योतिष का स्थान दिया गया, और बाद में इस राज्य का नाम कामरूप पड़ गया असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल से रिलेटेड है? तो राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला का साधु किसे कहा जाता है? यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो उसको ए हो हुम को, एलन ऑक्टेवियन हुम को कहते हैं। और ए हो हुम ने आईएनसी की स्थापना की थी। आईएनसी की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया। मतलब आईएनसी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, और ए हुम ने स्थापना की थी। और ब्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले अध्यक्ष थे, और 72 प्रतिनिधि थे, उनमें काफी लॉयर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 को केरल के बाजिकोट जिले के कलिकट कापड़ गांव पहुंचा था, मतलब इस गांव में पहुंचा था वास्को डी गामा। और ये कौन था? ये पुर्तगाली था, 1498 में आया था वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर को मापते हैं या मेजर करते हैं तो उसके लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के इलाज के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन गैस, जो कि एक नोवल गैस है, इसका उपयोग किया जाता है। और जो कैंसर की जो स्टडीज है उसको क्या कहते हैं? तो वो ऑनकोलॉजी इसकी स्टडीज है जो कि कैंसर की है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।